बड़ी खबर देख सकते हैं कि किस तरह से सीएमसीडी करनाल में एक हत्या हो जाती है और हत्या होने के बाद सीआईए की तमाम टीमें मौके पर पहुंच जाती है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। जितेंद्र उर्फ जीतू, जिसकी बहन का जन्मदिन था और बहन के जन्मदिन की रात को वह मिठाई लेकर आ रहा था, तभी इसी इलाके में किस तरह से जितेंद्र उर्फ जीतू, जिसकी उम्र 22 से 23 साल बताई जा रही है, उसकी बड़ी बेरहमी से हमलावर हत्या कर भाग जाते हैं। और आप देख सकते हैं करनाल पुलिस की सीआईए की टीमें मौके पर पहुंच जाती हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। चाकू का एक बड़ा कवर मौके पर पड़ा है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सड़क पर खून ही खून बिखरा हुआ है। परिवार के तमाम लोग काफी दुखी हैं। आप देख सकते हैं फोरेंसिक टीमें भी मौके पर पहुंच जाती हैं। सीएमसीडी करनाल में देर रात एक युवक की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी मौके पर पहुंच जाते हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं। करनाल के शिव कॉलोनी शास्त्री नगर इलाके में 23 से 24 साल के जितेंद्र उर्फ जीतू की हत्या कर दी जाती है। चाकूओं से गोद कर कई वार कर उसकी हत्या कर दी जाती है। तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच जाती है और मामले से तमाम तरह के जो सबूत हैं उसको जुटाती हुई नजर आ रही है। तो ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंच चुके हैं और ये जो मिठाई का डिब्बा नीचे आपको पड़ा हुआ नजर आ रहा है, ये अपनी बहन के जन्मदिन के मौके पर मिठाई का डिब्बा लेकर घर जा रहा था कि तभी इसी जगह पर किस तरह से उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। सीएमसीडी करनाल में जो देर रात हत्या हो जाती है, उसके बाद फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंच जाते हैं और मौके से जो सबूत हैं उनको जुटाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, जो खून के साक्ष्य हैं उनको इकट्ठा करते हुए फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें समय सीएमसीडी करनाल से आप देख सकते हैं, शास्त्री नगर इलाके से, जहां पर तमाम पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच जाती हैं। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। बहन का जन्मदिन था और जन्मदिन वाली रात मिठाई लेने गया था और उसके बाद उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और इस समय क्राइम स्पॉट पर आप देख सकते हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं और तमाम तरह के जो सबूत हैं उसको इकट्ठा करती हुई नजर आ रही हैं। तो ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जो खून के हाथों के निशान यहां पर लगे हुए हैं उनको भी इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से नापते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल से आप देख सकते हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर तमाम तरह के जो सबूत हैं उनको इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। जितेंद्र उर्फ जीतू की किसने हत्या की, क्यों हत्या की, अभी पता नहीं चल पाया जा रहा। कौन वे अज्ञात हमलावर थे जो जितेंद्र उर्फ जीतू पर करीबन 8:30-9 बजे चाकूओं से कई वार कर उसकी हत्या कर फरार हो जाते हैं। और ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर मौजूद हैं। देख सकते हैं सीआईए की टीमें इस समय मौके पर पहुंच चुकी है और किस तरह से इस समय जो मृतक है उसके घर पर जाती हुई नजर आ रही है। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सीएमसीडी करनाल में देर रात एक हत्या कर दी जाती है। बहन का जन्मदिन था और उसके बाद आप देख सकते हैं मिठाई लेने में गया हुआ था, जिसके बाद पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। सकते हैं सीआईए की टीमें मौके पर पहुंच जाती है और 22 से 23 साल के जितेंद्र उर्फ जीतू की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में भिजवा दिया गया है। थाना एसएचओ के बाद सीआईए की तमाम टीमें मौके पर पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो ये बड़ी खबर देख सकते हैं कि किस तरह से खून ही खून इस सड़क पर बिखरा हुआ है और सीआईए की टीमें मौके पर पहुंच जाती हैं। फोरेंसिक टीमों का इंतजार किया जा रहा है और कुछ ही देर में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी मौके पर पहुंच जाएंगे। ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के शिव कॉलोनी शास्त्री नगर इलाके से आप देख सकते हैं, जहां पर 23 से 22 वर्षीय जितेंद्र उर्फ जीतू की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। तो तस्वीरें देख सकते हैं। जैसा कि कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया कि बहन का जन्मदिन था और 21 से 22 साल का नौजवान युवक जितेंद्र मिठाई लेकर अपने घर जा रहा था। कुछ हमलावर इसी जगह पर आते हैं और उस पर चाकूओं से कई वार कर देते हैं। और अभी हॉस्पिटल से जो हमने पता किया अपने सोर्सेज से, उसकी डेथ हो चुकी है। सरकारी हॉस्पिटल में उसके शव को ले जाया गया है, क्योंकि खून ही खून जो है सड़क पर बिखरा हुआ है। चाकू का कवर भी यहां से बरामद होता है। एसएचओ साहब इस समय यहां पर मौजूद है। एसएचओ साहब क्या कुछ बताना चाहेंगे? बताया जा रहा है हॉस्पिटल से जो जानकारी मिली है कि डेथ हो गई है उसकी। अभी कोई रुका नहीं है, हमारे पास कोई सूचना नहीं आई अभी। अभी क्या जानकारी मिली थी आपको? भाई चलो पता लगा था शिव कॉलोनी में किसी के लड़के चक्कू मार दिया, तो इसलिए मुक्के पाए थे। काफी खून बिखरा हुआ है। हाँ, खून काफी बिखरा जी।
तो क्या फोरेंसिक टीम को भी बुलाया जाए? बुलाया जी, फोरेंसिक टीम को भी बुलाया, अफसरों को भी। तो अफसर भी आ रहे हैं, फोरेंसिक टीमें भी आ रही हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंच जाती हैं। करनाल के शिव कॉलोनी शास्त्री नगर से आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर करनाल के शिव कॉलोनी शास्त्री नगर इलाके में एक युवक जितेंद्र उर्फ जीतू, जिस पर जानलेवा हमला कर दिया जाता है, चाकुओं से कई वार किए जाते हैं, और अब जानकारी मिली है कि उसकी डेथ हो चुकी है, उसकी मौत हो चुकी है। सीएम सिटी करनाल में एक मर्डर का बड़ा मामला सामने आता है, एक मर्डर का बड़ा मामला सामने आया, जिसके बाद आप देख सकते हैं पुलिस की तमाम टीमें मौके पर है, सीनियर अधिकारी भी मौके पर बुलाए गए हैं, सीनियर अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं, डीएसपी लेवल के अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, फोरेंसिक टीमों को भी मौके पर बुलाया गया है। ये लाइव तस्वीरें से आप देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल के रामनगर थाना से जो पुलिस की टीम है वो मौके पर पहुंच जाती है, थाना एसएचओ मौके पर पहुंच जाते हैं, और किस तरह से इस समय हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल से जानकारी मिली है कि उसकी डेथ हो गई है सरकारी हॉस्पिटल से, और अब पुलिस की टीमें यहां से रवाना होती हुई नजर आ रही हैं। ये बड़ी खबर देख सकते हैं सीएम सिटी करनाल से, किस तरह से उस नौजवान युवक जितेंद्र उर्फ जीतू की डेथ हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, और आप देख सकते हैं मर्डर का एक बड़ा मामला, मर्डर का एक बड़ा मामला सामने आता है, कौन वे हमलावर थे जिन्होंने जितेंद्र उर्फ जीतू पर चाकुओं से हमला किया। अब यहां पर फोरेंसिक टीमों को मौके पर बुलाया जा रहा है, सीनियर अधिकारी भी मौके पर पहुंचने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर इस समय सीएम सिटी करनाल से आप देख सकते हैं, जहां पर हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि करनाल के शिव कॉलोनी शास्त्री नगर इलाके में इसी गली से जितेंद्र उर्फ जीतू अपनी बहन के लिए मिठाई लेकर जा रहा था, क्योंकि उसकी बहन का जन्मदिन था, और किस तरह से उसकी बहनों का रो रो कर बुरा हाल है, छोटी छोटी बहनें उसकी रो रो कर किस तरह से बेसुध हुई हुई हैं, उनको अभी यह भी नहीं पता कि उनके भाई की डेथ हो गई है, लेकिन आस पड़ोस के लोगों ने जब बताया तो काफी ज्यादा आहत देखी जा सकती थी, काफी ज्यादा भावुक देखी जा सकती थी। और इस समय आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से करनाल के रामनगर थाना की जो टीम है, पुलिस टीम है, थाना एसएचओ है, डायल 112 की टीमें हैं, मौके पर पहुंच चुकी हैं, और अब सरकारी हॉस्पिटल जाया जा रहा है, जहां पर जीतू के शव को रखा गया है, और किस तरह से हमलावरों ने चाकुओं से कई वार कर उसकी हत्या की है। हालांकि उसकी हत्या के पीछे क्या कुछ कारण था ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। आप देख सकते हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंचे थे, तमाम तरह के जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, उनको जुटा लिया गया, और इस समय फोरेंसिक टीमें यहां से रवाना होती हुई नजर आ रही है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, फोरेंसिक टीमें यहां से रवाना होती हुई नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंच गए थे, तमाम तरह के जो सबूत हैं उनको जुटा लिया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आपने देखी करनाल के शास्त्री नगर शिव कॉलोनी इलाके से, जहां पर जितेंद्र उर्फ जीतू की हत्या कर दी जाती है, और हत्या करने के बाद हमलावर मौके से फरार हो जाते हैं। तस्वीरें देख सकते हैं मर्डर वाले स्पॉट पर, तमाम पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचती हुई नजर आ रही हैं, फोरेंसिक टीमें भी मौके पर पहुंची, तमाम तरह के जो सबूत हैं इकट्ठे कर लिए गए हैं, और अभी शायद कुछ देर में आला अधिकारी भी जो है मौके पर पहुंच सकते हैं, डीएसपी लेवल के अधिकारी भी मौके पर पहुंच सकते हैं। हालांकि एसएचओ मौके पर पहुंचे थे, और किस तरह से मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में भिजवा दिया गया, और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।